अच्छा महसूस हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है, और मैनेजमेंट इतना अप्रिशिएट कर रहा है, सो फीलिंग गुड. इट्स अ ग्रेट फीलिंग. इट्स नाइस दैट कंपनी हैज हॉनर अस आवर मींस व्हाट एवर एफर्ट्स वी हैव टेकन ड्यूरिंग द पैंडेमिक सिचुएशन COVID-19. सो इट फील्स गुड. अच्छा तो लग रहा है, जो काम किया उसका सफलता मिली है, ऐसा लग रहा हूँ. मतलब पॉजिटिवनेस ज्यादा बढ़ गई है सर. प्रॉपर में सब डे मेरे 20 साल के करियर में सब डे अच्छे ही रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं आया. लेकिन आज जो मेरा नाम सिलेक्शन हुआ, ये सबसे मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. के जो फील था वो बहुत बुरा था, मन में बहुत सारी नेगेटिविटीज थी न्यूज में, और जो हम लोग मीडिया में सुन रहे थे, लोगों से सुन रहे थे, तो पेंडेमिक सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम आया, तो बहुत डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा. इफ यू फील दैट फ्रॉम फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू आई वाज लिटिल बिट अफ्रेड बिकॉज ऑफ माय चिल्ड्रंस आर इन स्मॉल एज बट इफ आई थिंक ऑफ प्रोफेशनली I just forget about the corona and all. I just thought of the dispatch. My boss gave me the instructions, and directly I joined on the day one to the job. सर, द डे व्हेन लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड तो मुझे याद है कि सीनियर हायर अथॉरिटी से मुझे एक फोन आया था, नहीं हमको कैसे भी कंपनी को चलाना है. नाउ इट्स अप टू यू, व्हाट एवर गाइडेंस यू नीड वी आर देयर टू सपोर्ट यू. इट वाज अ ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट व्हिच अगेन मोटिवेटेड अस. तो ओवरऑल इट वाज अ टीम एफर्ट एंड लाइक एवरीथिंग वाज इन अ सपोर्टिव मैनर फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द इंडस्ट्री. सो दैट रियली बूस्टेड अप. सो फीलिंग गुड, और वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और दे आर हैप्पी दैट आई एम वर्किंग विथ अ गुड कंपनी एंड दे आर ट्रीटिंग अस एज अ परिवार, एज अपार परिवार. सो दे आर फीलिंग सेफ दैट माई मेंबर इज वर्किंग इन सेफ कंपनी एंड गुड. क्वाइट हैप्पी. अर्लियर वो थोड़े रिलेक्टेंट थे, वो सोचते थे कि सभी की कंपनियां तो बंद है, आप अकेले हो जो इस टाइम में भी जा रहे हो, बट नाउ दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज दे नो कि टफ टाइम हैव गॉन एंड इट हैज रियली पेड ऑफ. सिचुएशन तो एक्चुअली कोविड सिचुएशन में ऐसा कैसा था मैडम कि मेरे प्लान में सबसे ज्यादा कोविड परसेंट मिले थे, और जो बिलीवनेस जो कंपनी ने दिखाई वो मैं पूरी कर पाया हूँ, इसके लिए मेरे को बहुत हैप्पीनेस लग रहा था. जो तो कंपनी ने टारगेट दिया था, वो सिचुएशन ऐसा था कि मैं खुद लेके जा रहा था. जो पेशेंट वगैरह बीमार थे उनको खुद लेके गेट पे जाता था, उनको पॉजिटिवनेस दे रहा था, कुछ नहीं होना वाला, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ठीक है, हो गया, सब पॉजिटिव हो गए, सब अच्छे. जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर, जो हम लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर किया कि पेंडेमिक जितना हम लोगों को डर था वैसा डर एक्चुअल में नहीं था. अगर हम लोग एक स्पेसिफिक प्रिकॉशन रखे तो उसके हिसाब से हम लोग का वर्क तो कर सकते हैं, तो वो सोच के हम लोगों ने कंपनी के टीम ने हमको अवेयर किया, एचआर ने अवेयर किया, मैनेजमेंट ने कैसे काम करना चाहिए, कंपनी में भी बहुत सारी केयर ली गई. तो वो हम पहले हमारा डर दूर किया कि हमने फील किया कि नहीं फील, फिर हमने सबको अंदर प्लांट में एजुकेट किया, लेबर्स को एजुकेट किया, वर्किंग स्टाइल को ऑब्जर्व किया, उनके हिसाब से गाइडलाइन बनाया, तो उस तरह से काम किया. वी आर टेलिंग कि हमारा अपार जो है अपार परिवार है. यही है कि टेस्टिंग टाइम था, वी ऑल विद हाई वर्क विद हाई एनर्जी. अगेन एज आई टोल्ड कि वी गॉट सपोर्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉर्नर, राइट फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट टिल सीपी ऑफिस. मैनेजमेंट ने इतना हम पे ट्रस्ट किया, वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी था बिकॉज द सिचुएशन लाइक कि समुन्द्र में हमको छोड़ा गया था. नाउ आपको तैरना आता है कि नहीं आता है, दैट इज योर योर दिस थिंग. बट जिस तरह से मैनेजमेंट ने हाथ पकड़ के हमको ईच एंड एवरी सेक्शन में हमारा सपोर्ट किया, दैट वॉज ब्रिलियंट एंड दैट मोटिवेटेड अस. तो ये टाइम जो टफ था वो आज लग भी नहीं रहा कि टफ टाइम था. इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस ओवरऑल. टाइम टू टाइम गाइडेंस किया कि मास्क पहनना चाहिए कंटिन्यू, बाद में आपको सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए, और ज्यादा भीड़ भाड़ एरिया में मतलब कंपनी में भी काम करते समय हाथ क्लीन, डिपार्टमेंट में आते समय
ये बाद में टाइम टू टाइम टेम्परेचर चेकिंग हुआ हमारा, बाद में अपना ये पल्स चेकिंग, टेम्परेचर चेकिंग, ये सब टाइम टू टाइम, बाद में अपना ब्लड का सैंपल लिया गया, जो टेस्टिंग रहता है कोविन टेस्टिंग, वो सब किया। इसके वजह से ऐसा मतलब डर नहीं लगा, फ्रीली रह सके, इधर हम लोग काम कर सकें। मेरी वजह से सामने वाला इफेक्ट नहीं होना, इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से मैं प्रिकॉशन लेता था। और घर पे जाने के बाद भी मेरी माँ जस्ट एक दिन पहले एडमिट होके डिस्चार्ज मिला था, तो मैं प्रिकॉशन ज्यादा लेना पड़ा था। इनिशियली जब नया नया था थोड़ा बहुत तो सभी को हुआ था, बट नाउ अगेन इट्स एन हैबिट। अब मास्क नहीं पहनेंगे तो तकलीफ होती है सर। ज्यादा बढ़ गया था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे में कुछ है, दम है, और कंपनी के लिए मैं कुछ करने लायक हूँ, जो टारगेट दिया था टारगेट फुलफिल किया हूँ, और कंपनी के लिए मैं कुछ और कर सकता हूँ, ये बिलीवनेस मेरे को ज्यादा आ गई। सीखा एक थी मल्टीटास्किंग वर्क, इट वाज द बूस्टिंग एंड दिस इज द वन मेजर थिंग वी हैव, मींस आई हैव लर्नड एंड वी हैव इंप्लीमेंटेड दैट बिकॉज ऑफ सेम विद लेस मैन पावर वी अचीव द टारगेट। अपर में मैंने देखा हूँ, मैं छूट गया होता ना अपर में 2005 से अभी तक काम करूँ, मतलब अपर परिवार एक है, हम एक थे और एक रहेंगे। बिल्कुल सर, लॉन्ग लिव अपर परिवार, द नेम इटसेल्फ इज द अपर परिवार। सो आई थिंक अपर में डिसीजंस यू कैन टेक, फ्रीडम इज देयर टू वर्क, सो इट्स गुड एंड इट्स लाइक ए फैमिली। डेफिनेटली सर, अपर परिवार ही है, इसके लिए तो हम लोग इतना साल काम कर पाए। और अपने इधर कम से कम मतलब कोविड पॉजिटिव कम से कम निकले, अपर परिवार, अपन का सबका टेस्ट किया, सब किया, वो हिसाब से अपन परिवार में ही रहते हैं, और घर घर जैसा फीलिंग हुआ इधर। जब हम लोग इधर आए 15 दिन हम लोग इधर रहे, तभी हम लोग को कोई तकलीफ नहीं हुआ, हमारा खाने का, कैंटीन का, रहने का, सब सैनिटाइजर टाइम पे टाइम सैनिटाइजिंग हुआ। ऐसा नहीं कि किसी ने हमको ये नहीं दिया, बाद में सोने के लिए सब बिस्तर चादर वगैरह सब ब्लैंक, जो जो परिवार में जो हेड है, जो पूरा जो दे सकते हैं वो सब दिया।